जो हमारा आउटर वर्ल्ड है वो हमारा एटीट्यूड कैसा होता है तो देखें, कुछ लोग हैं उनकी हर किसी से बहुत अच्छी बनती है और कई लोग हैं वो हर चीज़ में कंप्लेंट निकालते हैं। एक लाइफ फिर से रीस्टार्ट करना चाहता हूँ और सभी लोग मुझसे हेट करते थे, कोई मेरी हेल्प नहीं करता था। हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि यू गिव डिफरेंट आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बहुत वाइज मैन रहता था जो कि टाउन के बाहर रहता था, और उसके साथ क्या है कि उसका एक डिसाइपल, उसका जो स्टूडेंट था वो रहता था। तो वो सबसे वाइज मैन थे, लोग उनके पास नॉर्मली एडवाइस के लिए आते थे। और एक बार क्या है कि दो लोग हैं उसके पास आते हैं, दो यंग लोग आते हैं, और वो दोनों देखते हैं कि ये सबसे वाइज मैन है और इससे वो एडवाइस लेना चाहते हैं और उससे पूछते हैं। और पहला पर्सन जो है वो अप्रोच करता है और पूछता है कि मैं अपने पुराने टाउन को छोड़ के या अपने पुराने गांव को छोड़ के यहाँ मूव होना चाहता हूँ और मैं अपनी एक लाइफ फिर से रीस्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये टाउन कैसा है, कि हाउ दिस टाउन लुक लाइक, कि कैसे मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो जो है वाइज मैन उसका आंसर नहीं करता और उससे क्या है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वाज योर ओल्ड टाउन लुक लाइक, कि तेरा जो पुराना गाँव था, जो पुराना टाउन था वो कैसा है। और इस पे वो कहता है कि वो उसका ना फेस राइट अवे वो थोड़ा इरिटेटेड सा हो जाता है पर्सन, और उसको सब पुरानी बातें याद आती हैं और वो कहता है कि जो मेरा पुराना टाउन था कि वहाँ पे मेरे को कोई लाइक नहीं करता था, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था राइट, और सभी लोग मेरे से हेट करते थे, कोई मेरी हेल्प नहीं करता था, और इसीलिए मैं क्या है कि यहाँ नए टाउन में मूव होके अपनी लाइफ फिर से शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ। और वो जो है वाइज मैन उसको कहता है कि लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये टाउन भी तेरे लिए ठीक नहीं है, ये वैसा ही है जैसा तेरा पुराना टाउन था। तो इससे वो बंदा बड़ा परेशान और डिसअपॉइंट हो जाता है और वो उसको एडवाइस करता है कि आई थिंक कि तू अपने पुराने टाउन में चला जाए क्योंकि ये भी टाउन तेरे लिए सेम है, या किसी और टाउन में चला जा। और वो डिसअपॉइंट होता है और वापस चला जाता है। फिर उसके बाद क्या है, जो सेकंड पर्सन है, जो सेकंड मैन है, वो अप्रोच करता है उस वाइज मैन को और पूछता है कि हाउ दिस टाउन लुक लाइक और हाउ दिस टाउन विल बी फॉर मी एज वेल। तो वो अगेन उसको कोई रिप्लाई नहीं करता जो वाइज मैन है, वो पूछता है कि तेरा पुराना टाउन कैसा था, कि वो कहता कि मेरा पुराना टाउन। तो उसको उसका फेस एकदम से एक्साइटमेंट वाला होता है और हैप्पीनेस वाला फेस हो जाता है और उसको कहता कि मेरा पुराना टाउन बहुत अच्छा था, कि मेरे पुराने टाउन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सभी लोग मेरी हेल्प करते थे, मैं लोगों की हेल्प करता था, मेरे लिए अच्छा था, तो मैं तो यहाँ पे बस ये सोचता हूँ कि एक चेंज के लिए, एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे भी अच्छे फ्रेंड बना सकता हूँ, तो मेरा पुराना भी अच्छा था, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये टाउन मेरे लिए कैसा रहेगा। और उस पर क्या है कि वाइज मैन जो है ना स्माइल करता है और उसको कहता है कि ये टाउन बहुत अच्छा है, तेरे लिए परफेक्ट है, तो यहाँ मूव हो सकता है, कि तू रिग्रेट नहीं करेगा लाइफ में, तो लाइफ में और आगे जाएगा। और ये सुन के वो बंदा बड़ा खुश होता है और वो चला जाता है, ठीक है कि मैं यहाँ पे मूव होने वाला हूँ। और इसके बाद क्या है कि जो उसका डिसाइपल है, जो उस वाइज मैन के साथ बैठा हुआ था, वो बड़ा परेशान होता है, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और वो उससे पूछता है अपने मास्टर से, हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि यू गिव डिफरेंट आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। दोनों ने आपसे सेम क्वेश्चन पूछा बट आपका आंसर डिफरेंट था दोनों लोगों के लिए। और इस पे वो वाइज मैन स्माइल करता है और वो कहता है कि ये इसलिए है कि वो जो पहले वाला था जिसने मेरे से पूछा और उसका जो पास्ट था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है और वो ही चीज़ उसको यहाँ मिलेगी, ना उसका यहाँ कोई फ्रेंड बनेगा, ना ही उसको यहाँ कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी वो नेचर बन चुकी है, उसके माइंड में वही चीज़ है। और जो दूसरा है उसके लिए सब कुछ अच्छा है, वो अच्छे फ्रेंड भी बनाएगा, उसके पास्ट के फ्रेंड भी अच्छे थे, उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, क्योंकि उसके माइंड में क्या एक पॉजिटिव थाट है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ में हम लोग जैसा देखते हैं वैसा ही होता है, जो हमारा आउटर वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्शन है हमारे इनर वर्ल्ड की। अगर लाइफ में हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव करना चाहते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा आउटर वर्ल्ड कैसा होगा। उसी तरह अगर हम देखें अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में, देखें अपनी जॉब में, देखें या कहीं पर फैमिली में भी देखें, आप देखें कुछ लोग हैं उनकी हर किसी से बहुत अच्छी बनती है क्योंकि वो इंटरनली क्या है, सभी से अच्छा चाहते हैं, सभी की हेल्प करना चाहते हैं, सभी लोग उनको लाइक करते हैं, और कई लोग हैं वो हर चीज़ में कंप्लेंट निकालते हैं, वो कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कभी इस पर्सन से प्रॉब्लम है, कभी जॉब से प्रॉब्लम है, तो वो उनका क्या है कि जो माइंड है ना वो वैसा उनके लिए वो क्रिएट हो चुका है, उनका माइंड ही ऐसा है जो रिफ्लेक्शन है उसके आउटर वर्ल्ड की, कि अगर हम माइंड में कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा ही मिलेगा, हमारी लाइफ क्या है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, बट अगर हम वो अपॉर्चुनिटी नहीं देखते इसीलिए क्या हम लोग सफरिंग में रहते हैं।
तो इसलिए कि अगर हम देखें कि स्टोरी में भी यही बताया गया है कि जैसे वो एक इंसान है जिसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसके लिए सब अच्छा है, और जिसके लिए वहाँ पे भी बुरा है वहाँ यहाँ पे भी बुरा होगा, और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए कि लाइफ में एक अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। योर माइंड शेप योर वर्ल्ड, तो वो सही है कि आपका जो माइंड है ना वही आपकी दुनिया बनाता है। तो इसलिए पॉजिटिव सोचें, ठीक है, हाई थिंकिंग रखें और अपना एक एटीट्यूड अच्छा रखें लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। I hope you like this story. Please like and subscribe our YouTube channel and please hit the bell icon to stay updated on all latest stories.